ब्लेस्ड माइंड के बारे में आपने कभी सुना है? ब्लेस्ड माइंड इतना तेज माइंड होता है कि अगर ब्लेस्ड माइंड वाला इंसान कोई एक मोटी किताब पढ़ ले तो उसे दोबारा वो किताब पढ़ने की झूठ नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि एक बार में ही पढ़ने से उसके दिमाग में सब कुछ छप जाएगा। दिमाग तरीके से काम करता है तो आप दुनिया जीत लोगे। और अगर आपको थोड़ी सी भी बोलने की बीमारी है या फिर आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं तो भाई मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सारी गेम ही दिमाग की है। चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सक्सेस का मंत्र बताता हूँ कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। इसे सुनकर आप आज से ही हार्ड वर्क करना शुरू कर दोगे। आपको करना क्या है कि आपको अपने दिमाग में कोई है लेवल की चीज सोच लेनी है। आप सोच लो कि मुझे इस बड़ी गाड़ी में बैठना है या फिर मुझे ये बड़े वाला बंगला चाहिए। अगर आपने इन बड़ी बड़ी चीजों का सपना देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर लोगे। अब बात आती है दिमाग दिमाग को कैसे तेज करे। ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग इतना जीनियस फ्रीलेंथ और इतना तेज हो जाएगा कि आप किसी भी काम को करने के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे। दिमाग को तेज करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला या माइंड की एक्सरसाइज, दूसरा है माइंड को रेस्ट देना। और अगर आप ये सोचते हो कि हम घर पर सोते हैं तो हमारे माइंड को रेस्ट मिल जाता है तो ये आपकी गलत फहमी है भाई। मैं आपको बता दूं, रात को आपका दिमाग और ज्यादा काम करता है। रात को सोते समय दिमाग सक्रिय होता है और ज्यादा सक्रिय होता है, और दिन में तो आप दिमाग से काम लेते ही होती है, में तो आपका दिमाग चलता ही है। अब मुझे आप ये बताओ, इसके बीच में आपके दिमाग को कब मिला? चलो आज मैं आपको दिमाग को तेज करने का एक प्राचीन तरीका बताऊंगा। ध्यान से समझना ठीक है, और ये फोन लगा लो क्योंकि इस वीडियो की हर एक इंफॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। भाई देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एक काम करता ध्यान लगाना, किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेशन, कि आप कितनी देर तक किसी चीज पर ध्यान लगाकर उसके बारे में सोच सकते हो। देखिए मैं आपको एक मैन टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। आप किसी खुली जगह पर जाकर बैठ जाए, आलती पालती मारकर, और अपने दिमाग में कोई एक चीज सोचिए। आंखें बंद करके किसी एक चीज की फोटो बना लीजिए, और अगर आप 3-4 मिनट तक उसके बारे में सोचते हैं, 5 मिनट तक, जितने भी देर तक आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में यदि आपके मन में कोई दूसरा विचार आ जाता है या फिर आपका मन भटक जाता है तो आप यहीं से समझ जाइए कि आपकी एकाग्रता कितनी है। वो चाहे 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, 5 मिनट के ऊपर तो कोई कोई ही जा पाता है। तीन तरह के माइंड होते हैं, मन की माइंड, कॉन्सेंट्रेशन माइंड, ब्लेस्ड माइंड। अब यही से गेम शुरू है। ध्यान से समझिए, पहले आता है मन की माइंड। दुनिया के 90% लोगों का दिमाग इसी कैटेगरी में आता है। मन की माइंड आप नाम से ही समझ गए होंगे, जिस तरह कोई एक बंदर आराम से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही मन की माइंड, इसमें फालतू के विचार आते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। मन की माइंड वाला इंसान कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। वो शायद आप भी इसी माइंड में आते हो। अगला आता है कॉन्सेंट्रेशन माइंड। आप मन की माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में बदल सकते हो, जो कि गुड न्यूज है। इस माइंड का नेचर ऐसा होता है कि ये फ्लो में वर्क करता है। कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता, एक ही जगह ध्यान लगा कर काम करना। कॉन्सेंट्रेशन माइंड वाले का दिमाग अगर किसी चीज में लग गया तो समझो लग गया, अब वो उस काम को करके ही छोड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन माइंड से पावरफुल होता है। प्लेस्ड माइंड, इसे आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये दिमाग दुनिया के गिने चुने लोगों के पास जो होता है। इस दिमाग की खासियत ये होती है कि ऐसे दिमाग वाले इंसान का अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि यदि इन्होंने एक बुक एक बार में ही पढ़ ली तो दोबारा उस बुक के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक बार देख लेने से सब उस इनके दिमाग में छप जाता है। अब बात यहाँ आती है कि अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेशन माइंड या फिर ब्लेस्ड माइंड में किस तरह आप बदल सकते हो। इसका सिर्फ एक ही तरीका है। महर्षि पतंजलि के अनुसार उनके अष्टांग योग सूत्र यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, अगर कोई इंसान इन योग को पूरे अनुशासन के साथ करता है तो वह जल्दी से जल्दी अपने मन को ब्लेस्ड माइंड बदल सकता है। यहाँ एक बात और, अगर आप सुबह जल्दी उठे हैं 4 से 4:30 के बीच में तो आपको कुछ देर योग या ध्यान करना चाहिए, जिसका आपका मन हो या फिर भी तेज होगा, बस अब
आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या